एक अच्छा टारगेट यहाँ पर दिया है भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका टीम को। किस तरह का जोश, किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है लखनऊ के लोगों में? बिल्कुल, सबसे पहले विराट कोहली ने जो कारनामा कर दिखाया है बर्थडे बॉय, और जो विशेष दिन का आज इंतजार था, इसके पहले जब वो आउट हुए शतक पूरा नहीं हो सका, शायद कोई प्लानिंग थी क्या विराट की कि विशेष दिन यानी कि अपने बर्थडे वाले दिन वो इस तरीके का कारनामा कर दिखाएंगे। लेकिन एक बड़ा स्कोर जरूर भारतीय टीम ने खड़ा किया है, साउथ अफ्रीका को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन लखनऊ की जनता में कितनी खुशी है इस मैच को लेकर। मैम, विराट कोहली ने बर्थडे के दिन आज सेंचुरी कर दी, रिकॉर्ड बना दिया सचिन के बराबर होकर, क्या कहिएगा उनके? उसने इंडिया को गिफ्ट किया है 101 बना के शगुन देके। सो हैप्पी बर्थडे विराट, और मैं विश करूंगी कि इंडिया ही वर्ल्ड कप जीते। जी जी, मैम कह रही है कि 101 रन शगुन दे दिया स्कोर पर। हाँ जी, हाँ जी, तो हैप्पी बर्थडे। तो देखिए, हैप्पी बर्थडे विराट कोहली, विराट के लिए विश कर। हैप्पी बर्थडे विराट, हैप्पी बर्थडे विराट, हैप्पी बर्थडे, हमारा भारत जीतेगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर विराट के लिए बर्थडे का सॉन्ग यहाँ पे गा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं। विराट कोहली को जानते हैं? हाँ जानता हूँ। सेंचुरी मार दी आज उन्होंने, रिकॉर्ड बना लिया, सचिन के बराबरी कर ली। हाँ कर ली। आज मैच कौन जीतेगा? इंडिया। इंडिया। और कुछ कहना चाहते हो? फेवरेट प्लेयर कौन है आपका? बुमराह। बुमराह है, अरे बुमराह की तो बॉलिंग आने वाली। बॉलिंग करते हैं आप? क्रिकेट खेलते हैं क्या? नहीं, हम फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल खेलते हैं, तो बुमराह फेवरेट प्लेयर आपका। कितने विकेट लेंगे आज? आज कम से कम 7 विकेट तो ले लेंगे। 7 विकेट, ये कह रहे हैं बुमराह 7 विकेट ले लेंगे, सर पॉसिबल है क्या? अब बच्चे की ख्वाहिश है तो बुमराह जरूर पूरी करेगा। अच्छा, आप आज के मैच को लेके क्या है, अट्ठा मारने वाली है इंडियन टीम? अरे बिल्कुल मारेगी आज, 100% जीत निश्चित है आज। आज विराट कोहली ने हमें जो गिफ्ट दिया है सेंचुरी का, 101 के साथ शगुन जैसे हमारी भाभी ने कहा, और मुझे लगता है और बर्थडे के दिन जो गिफ्ट दिया है डेफिनेटली आज जीत भी हमें गिफ्ट में मिलेगी। आपको, अच्छा आपको रिटर्न गिफ्ट मिला है, आप क्या कहना चाहेंगी विराट के लिए? हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। क्या लगता है आज इंडिया जीत रही है कि कुछ टफ होगा? बिल्कुल जीतेगी, क्यों नहीं जीतेगी। मैम आपके क्या कहना है? बिल्कुल इंडिया ही जीतेगी और वर्ल्ड कप भी ले आएगी, वर्ल्ड कप लेकर आएगी। बिल्कुल इंडिया के लिए जरा चीयर कर दीजिए। इंडिया, 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय। ठीक है मयूर, रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बलिया से। मनोज जरा बलिया का हाल भी बताइए, वहां पर किस तरह से उत्साह देखने को मिल रहा है इस मैच के बाद, पहली इनिंग के बाद? साउथ अफ्रीका के बीच मैच चल रहा है, जबरदस्त मैच। मेरे पीछे आप उठा देख सकते हैं, बड़ी संख्या में बलिया के लोग जो है वो लगातार चीयर कर रहे हैं भारतीय टीम के लिए। हम उनसे बात करेंगे आज। आज जो भारतीय फैंस है इडन गार्डन के जरिए, दिल गार्डन गार्डन हो गया क्या? आज में पहले तो सब बलिया वासियों, पूरे हिंदुस्तान को विराट कोहली की शतक की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और पिछले विश्व जो जिस आदमी ने सचिन तेंदुलकर को कंधे से कंधा मिला के उठाया था कंधे पे, और आज वो इस विश्व कप के मैच में कंधे से कंधा मिला के चल रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बर्थडे पर विराट कोहली ने अपना 49वां शतक जड़ा, बहुत बहुत बधाई विराट कोहली को, और हमारा देश जीतेगा, भारत जीतेगा, इंडिया जीतेगा। आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या कहना चाहते हैं आपका आज बहुत, क्या कमाल करना चाहते हैं? कहीं आप देखेंगे कि आज इंडिया जीतेगा और इसमें कहीं कोई शक नहीं है, और कोहली ने जो आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की है, अगले मैच में आप देखेंगे कि कोहली जो है उससे भी आगे निकल जाएगा। उमरा जो है कोहली भी अपने पे 5 से 6 विकेट लेगा। क्या लगता है आपको? 35 अपने बर्थडे पे उन्होंने अपना शतक मारा है, और आज बुमराह और शमी फिर से अपना कमाल दिखाएंगे, और शमी आज फिर से 5 लेगा, जिससे कि वो रिकॉर्ड में अपने ऊपर आ जाएगा। जी, आप लोगों को क्या लगता है कि आज इंडिया क्या कमाल करने वाली है? आज बर्थडे है विराट कोहली का, तो हम इनको बहुत बड़े हैप्पी बर्थडे बोलना चाहेंगे। और बंदे ने जो 3 साल आउट ऑफ फॉर्म रहा, वो हम लोग बहुत मतलब सोचे थे कि बंदा क्यों आउट ऑफ फॉर्म है, ये है, बट उसने कमाल किया, कमाल किया। जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज भारत का कितना बड़ा दिन है। धन्यवाद, और उनका तो
सौ शतक मारते हुए अपना नाम रोशन किया और अपने देश का भारत माता की जय हम कहना चाहता हूँ। विराट कोहली को बर्थडे का बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। कि किस तरीके से बलिया के लोग वो लगातार जो है जश्न मना रहे हैं और लोगों से हम बात करेंगे कि क्या कहना चाहता है आपका आज भारतीय टीम कैसा खेली है आज। इंडिया जीतेगा जी क्या कहना चाहते हैं मिठाई के एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हो और लोगों के बीच में इतना उत्साह है कि लोग जो है वो टीम इंडिया को आज वापस आगे की तरफ बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और उन्हें उम्मीद है। बिल्कुल मनोज, हम लौटेंगे आपके पास, आप तब तक मिठाई खाइए। हालांकि अभी जीत पूरी नहीं हुई है इस मैच की, आधी अधूरी जीत है अभी क्योंकि अभी दूसरी इनिंग होनी बाकी है। आप तब तक मिठाई खाएं, मैं दोबारा आपके पास जरूर आऊंगा। अब्दुल सत्तार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। अब्दुल सत्तार, किस तरह का माहौल है, कितनी खुशी आज विराट कोहली की चर्चा पूरे देश में हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही है। अब्दुल सत्तार आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर जी, बोलिए। हेलो जी, हमारे से तमाम ऐसे क्रिकेट प्रेमी हैं जो विराट कोहली के शतक जो तोहफा दिया है जन्मदिन पर उसको लेके बात करते हैं कि आज क्या खास है। आज हमारे विराट कोहली जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पर उन्होंने आज जो साउथ अफ्रीका से जो भारत का मैच हो रहा है उसमें उन्होंने शतक बनाया और ये शतक 49वां शतक है जो हमारे मास्टर ब्लास्टर की बराबरी का शतक है। कोहली 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 जैसा कि सभी जानते हैं कि आज वर्ल्ड कप का 8वां मैच है और साउथ अफ्रीका से ये हो रहा है और पहले टॉस जीतकर भारत ने पहले बैटिंग की और बैटिंग करके उन्होंने 326 रन बनाए। अब वैसे साउथ अफ्रीका के लिए ये बड़ा मुश्किल तो नहीं है, इतना बड़ा लक्ष्य नहीं है, लेकिन हमारी गेंदबाजी जो है वो टॉप पे है और उसके आधार पे हम मैच जीतेंगे 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 जीतेंगे। आप बताइए आज का जो अभी तक का जो 326 का जो रन बनाए हैं इस पर आपका क्या? बड़ा ही अच्छा टारगेट दिया है इंडिया ने और ट्रेनिंग ट्रैक है, मुश्किल होगा। साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनिंग काफी स्ट्रांग है, उन्होंने अभी तक सबसे स्कोर 13 रन का रहा है इस वर्ल्ड कप में और वो बहुत इजी सोच रहे होंगे, पर इंडिया की बॉलिंग लाइन बहुत ही स्ट्रांग है। मोहम्मद शमी, सिराज, बुमराह, जडेजा और कुलदीप, तो मेरे ख्याल से तो ये काफी अच्छा मैच और काटना मैच है। बिल्कुल अब्दुल सत्तार, रहिए आप हमारे साथ। मयूर के पास चलेंगे, मयूर हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मयूर, जरा एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश करें। सारा मैच एक तरफ, पूरी दुनिया के बैट्समैन एक तरफ और विराट कोहली एक तरफ। हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। 326 रन भारत ने बनाए हैं और 326 हमको याद दिलाता है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 2003 में नेटवेस्ट सीरीज का फाइनल हुआ था जिसमें सौरभ गांगुली दादा ने टी शर्ट निकाल कर जिस तरीके से लहराया था और आज सौरभ गांगुली जो है ईडन गार्डन में बैठे भी हुए हैं, तो कहीं उसी तरीके का नज़ारा फिर से ना देखने को मिले। लेकिन वो तो बात की बात हो गई, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो ऐसा लग रहा है कि अब क्योंकि बॉलर्स, क्योंकि अब वहाँ पर ड्यू फैक्टर भी इफेक्ट करेगा और जब ड्यू फैक्टर इफेक्ट करता है तो स्पिनर्स का रोल बहुत ज़्यादा अहम वहां पर हो जाता है और इंडियन स्पिनर्स कमाल कर रहे हैं। इसी के साथ जो फास्ट बॉलर्स हैं सिराज की और शमी की जो बॉलिंग है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करेगी कि वो किस तरीके का स्विंग कराते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीकन बैट्समैन लगातार बहुत जो है बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। 400 रन उन्होंने अभी तक बनाए हैं और क्योंकि साउथ अफ्रीका हारी भी है तो नीदरलैंड से हारी है तो वो भी दिमाग में रखना चाहिए और इंडिया की बॉलिंग में और अन्य टीमों की बॉलिंग में जमीन आसमान का जो अंतर है वो इस वक्त नजर आ रहा है। तमाम लोग भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं एक बार फिर से। मैम चेयर कर दीजिए जरा, आप लोग जैसे चेयर कर रहे हैं। इंडिया 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 जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा। वर्ल्ड कप किसका है? इंडिया का है। कि वर्ल्ड कप किसका है? हमारा है और होना भी चाहिए। भारत में पहली बार पूरी तरीके से वर्ल्ड कप का आयोजन हो रहा है। 2011 में जब वर्ल्ड कप जीते तब मुंबई के वानखेड़े में इतिहास रचा गया था और इस बार अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भी इतिहास रचने की रास्ते पे भारतीय टीम चल चुकी है। 7 लगातार मैच जीते हैं और 8वां मैच अगर आज जीतते हैं तो यह भी एक तरीके से रिकॉर्ड ही होगा, क्योंकि अभी तक भारत जब भी फाइनल में वर्ल्ड कप के पहुंचा है तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो सारे लीग मैचेस अपने जीता हो। 2011 में वो साउथ अफ्रीका से
हारे थे, मैं आपको याद दिला दूं जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, और आज साउथ अफ्रीका ही सबसे बड़ी अड़चन बनकर उनके सामने खड़ी। और आज वर्चस्व की लड़ाई है, श्रेष्ठता की लड़ाई है कि वर्ल्ड कप में श्रेष्ठ कौन है। शुरुआत की दोनों टीमें जो कि बेहतर प्रदर्शन कर रही है, हालांकि साउथ अफ्रीका ने एक मैच जरूर हारा और उनको चोकर्स भी कहा जाता है। इसके पहले साउथ अफ्रीका जो क्रूशियल मैच होते हैं, इंपॉर्टेंट मैच होते हैं, उसमें वो किसी भी टीम से, चाहे वो मजबूत हो या कमजोर हो, उससे हारती हुई नजर आई है। प्रेशर बहुत ज्यादा साउथ अफ्रीका के ऊपर जब पड़ता है तो वो हार की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। लेकिन आज देखना होगा कि जो फास्ट बॉलर्स हैं वो किस तरीके का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि जो क्विंटन डिकॉक की बात करें, बाउमा की बात करें, डेविड मिलर, मार्क राम सभी फॉर्म में है, जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। जैनसन उनकी तरफ है जो आखिरी में आते हैं, वो भी रविंद्र जडेजा की तरह लंबे लंबे छक्के मार सकते हैं। इसी के साथ क्लासेन खतरनाक खिलाड़ी हैं, तो इन सभी को एक प्लानिंग के साथ आउट करना होगा, इनकी जो बॉलिंग करनी होगी। अगर साउथ अफ्रीका के बैट्समैन शुरुआत के 10 ओवर में स्ट्रगल नहीं करते हैं, बिल्कुल मयूर रही है। मोहित हमारे सहयोगी बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, जरा बुलंदशहर की जनता से एक बार बातचीत कीजिए, कितना जोश दिखाई दे रहा है आज के मैच को देखते हुए। बुलंदशहर की जनता हमारे साथ खड़ी है, और सबसे पहले जो लगातार भारत की टीम लगातार जीत हासिल कर रही है उसका सेलिब्रेशन करने के लिए तैयार है। और वही जो विराट का जन्मदिन है उसको लेकर यहाँ पर मिठाई का डिब्बा लेकर मेरे साथ है। देखिए यहाँ पर युवा है जो विराट के फैन है, ये मिठाई का डिब्बा लेकर आए और आपस में मिठाई खिलाकर एक दूसरे को आज विराट का जन्मदिन तो बर्थडे उसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं। लगातार जो टीम लगातार जीत रही है लेकिन उसको भी सेलेक्शन कर रहे हैं। और बुलंदशहर के लोगों का मानना है कि लगातार जिस तरीके से भारत की जो टीम है लगातार चैंपियनशिप कर रही है, लगातार मैच जीत रही है, इस बार का जो फाइनल है भारत की जोड़ी आने वाला है। देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर एक दूसरे से यहाँ पर मिठाई खिलाकर मनोज चतुर्वेदी के पास चलते हैं। मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोज के पास चलते हैं। मनोज, आप एक बार फिर से बातचीत कीजिए, अगर मिठाई का डिब्बा वहां पर खत्म ना हुआ हो तो। जी बेशक, आज बलिया में जो स्थिति है वो यही है कि सबके दिल जो है वो गार्डन गार्डन हो चुके हैं। और निश्चित रूप से अगर हम फैंस की बात करें तो उनका उत्साह जो है वो चार गुना हो चुका है। आज जिस तरीके से इंडियन टीम ने जो है कमाल की बैटिंग की और कोहली ने जो शतक जड़ा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उनके जन्मदिन के दिन बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज भारतवर्ष के लोगों को कोहली को गिफ्ट देना चाहिए, लेकिन आप अपने जन्मदिन के ऊपर कोहली ने भारतवर्ष के प्रति नागरिकों को जो गिफ्ट दिया है, निश्चित रूप से बलिया बहुत ही ज्यादा उत्साहित है। आप बच्चे लोग, आप लोग को कोहली कितना पसंद है? हमें कोहली बहुत पसंद है, और आज जो 100 रन का उन्हें योगदान दिया है कुल भारत के रन में, उसके लिए हम बहुत खुश है। उन्हें हम अपनी तरफ से जन्मदिन की बधाई देना चाहते हैं। भाई देखिए, कोहली एक किंग है और किंग के लिए कोई बोलता नहीं है, और जैसा किंग सेंचुरी मारता है, 100 रन वाले होने वाले हैं, उसमें ज्यादा दिक्कत है हम लोगों को। 79 आज हुआ है और 100 होने वाले हैं। आज 250 में ही साउथ अफ्रीका को मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि विराट भाई के आगे कोई बोल सकता है तो कितना मुश्किल खड़ा करेंगे रनों का इतना विशाल स्कोर खड़ा हो चुका है, और साउथ अफ्रीका ऑलरेडी चेस करने में फिसड्डी रहती है, अक्सर देखा गया है। तो निश्चित रूप से साउथ अफ्रीका जो है वो 200-250 रन के अंदर सिमट जाएगी और वो पूरा 50 ओवर भी नहीं खेल पाएगी। इसलिए आज भारत की जीत निश्चित है और कोहली को यही देश की तरफ से गिफ्ट होगा, बॉलर्स की तरफ से गिफ्ट होगा। जी 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 जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आज बॉलर्स क्या कमाल करने वाले हैं? इस तरह बैट्समैन ने कमाल किया उसी साथ बॉलर्स कमाल करेंगे। आपको लगता है कि आज बॉलर्स कमाल करने वाले हैं? बिल्कुल मनोज रही है हमारे साथ। अब्दुल सत्तार के पास चलते हैं जल्दी से। अब्दुल सत्तार, आपके साथ जो लोग और खड़े थे उनसे भी एक बार जल्दी से बातचीत करने की कोशिश करें। कहीं ना कहीं इंडिया जो बॉलर्स है वो आज
साउथ अफ्रीका को जो है निश्चित उनके लिए परेशानी खड़ा करेंगे। आवाज अब्दुल सत्तार से बातचीत। अब्दुल सत्तार की आवाज नहीं आ रही है, दरअसल आप दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। मयूर के पास चलते हैं। मयूर जल्दी से एक बार बातचीत करने की कोशिश करें लखनऊ की जनता से। बिल्कुल, देखिए एक बार फिर से बात कर लेते हैं सभी से। सभी लोग यहाँ पर जश्न में डूबे हुए हैं और आतिशबाजी की आवाज भी हमको यहाँ पर आ रही है। हालांकि अन्य जिलों में मिठाइयां बांटी जा रही हैं, लोग मिठाई खा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मिठाई का डिब्बा तो नहीं है, लेकिन सभी की जो मुस्कान है वो किसी मिठाई से कम नहीं है। आप भी आ जाइए, आप अभी आए हैं, आपसे बात कर लेते हैं। मैच देखा आपने? जी जरूर। सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका लगा? विराट कोहली का। आज थोड़ा सा स्लो नहीं खेले क्या? ऐसा लग रहा था सेंचुरी के लिए खेल रहे हैं, आपको लगता है? सेंचुरी के लिए नहीं, अपनी टीम इंडिया के लिए खेले हैं, हमेशा खेले हैं और खेलते रहेंगे। और एक प्लेयर के पास मिडल ऑर्डर को स्टेबलाइज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी बैट्समैन के लिए, तो सेंचुरी नहीं एक लंबी बारी की जरूरत थी और वो उन्होंने दिया है। उन्होंने क्या, और आज एक रिकॉर्ड भी बना दिया। क्या उनको इंतजार था कि बर्थडे के दिन ऐसा करिश्मा करेंगे? देखो मुझे तो नहीं मालूम, पर अच्छा लगा। अभी क्या लगता है, साउथ अफ्रीका कोई आसान टीम नहीं है, टफ टास्क होगा? अभी भी मैच बाकी है, 300 का टारगेट अचीव करना भी मुश्किल ही होगा साउथ अफ्रीका के लिए भी। पर बॉलर लाइनअप हमारा भी अच्छा है, शमी तो आपका प्राइम में ही चल रहे हैं, प्राइम में चल रहे हैं। देखिए काफी जानकार हैं, अच्छी जानकारी भी इनको। आइए सर आपसे भी बात कर लेते हैं, अभी आखिरी कमेंट दीजिए, आप क्या उम्मीद लग रही है आपको? मुझे लग रहा है कांटे की टक्कर होगी। हाँ। बट हमारे पास तीन धुरंधर बॉलर्स हैं, सिराज और हमारा बुमराह और तीसरा शमी। अच्छा, हार्दिक पांड्या की कमी कुछ खल रही है क्या आप लोगों को? हाँ डेफिनेटली हार्दिक पांड्या की कमी तो खल रही है, लेकिन फिर भी जीतेगा तो इंडिया ही। आप भी मैम जरा कमेंट कर दीजिए, आपको क्या लगता है? बिल्कुल वर्ल्ड कप तो हमारा है और हम ही ले आएंगे। अभी तो अपने घर में ही रखा है, घर में ही उठा के घर। बस बिल्कुल, हमें अपनी टीम पर पूरा भरोसा है। आपको किस पर भरोसा है? क्रिकेट देखते हो आप ये बताओ? नहीं देखते, लेकिन किसको जानते हो, किस क्रिकेटर को जानते हो? विराट कोहली को जानते हो, और किसी को नहीं जानते? रोहित शर्मा को जानते हैं? हाँ जानती हूँ। वो भी देश के कप्तान है, उनके लिए भी कुछ बोल दीजिए। मैं उनको विश करती हूँ कि अच्छा खेल। आपका क्या कहिए मैम रोहित के लिए, क्या कहिएगा? बड़ी तेज उन्होंने आज शुरुआत की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए। बट वो अपनी टीम को बहुत अच्छे से मैनेज करके चलते हैं, उनकी जो लोगों को गाइडेंस है अपनी टीम को लेके, विच इज वेरी गुड। तो रोहित का भी इन्वॉल्वमेंट है पूरा, जो आज विराट ने इतने अच्छे रन बनाए और 49 सेंचुरी पूरी की। वो कप्तान का मैम एक अहम रोल हो जाता है, कोई भी हो, चाहे कोई भी गेम हो, कैप्टन का रोल अहम होता है। जी मैं सिर्फ ये कहूंगी विश यू गुड लक इंडिया। बिल्कुल पूरा देश कह रहा है कि गुड लक इंडिया। और बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो जीतेगा तो इंडिया ही, ये बात कही जा रही है, और क्योंकि आज कोहली ने अपना 49वां शतक जड़ा है, सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर ली है, 300 से ज्यादा का स्कोर दिया, 327 रन का टारगेट दिया है यहाँ पर साउथ अफ्रीका को। कितना मुश्किल होगा, कितना आसान होगा, अगली इनिंग शुरू होने के बाद पता चलेगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।